भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोगों को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। ऐसी ही कुछ जगहों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान के अलवर ज़िले की अरावली पर्वतमाला में स्थित भानगढ़ किला। इस किले को लेकर कई सारी बातें प्रसिद्ध हैं और इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह किला भूतों से स्थापित है और यहाँ पर भूत प्रेत का वास है। भानगढ़ किले को लेकर कई सारे राज आज तक दफन हैं और लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसे में आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले के रहस्य के बारे में। भानगढ़ किले का इतिहास। भानगढ़ किले का रहस्य क्या है? भानगढ़ किला का निर्माण बहुत वर्षों पहले किया गया था। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में ये किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक वहीं पर मजबूत खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। हालांकि इस किले में रहने के बारे में भूतिया कहानियां कई वर्षों से प्रचलित हैं और लोग इस पर आज तक विश्वास करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यहां पर भूतों का सामना करने की बात स्वीकार की है और अपनी कहानियां दुनिया से साझा की हैं। क्या है भानगढ़ किले की कहानी? भानगढ़ किले के रहस्य को लेकर दो अलग अलग कहानियां सामने आई हैं, जिस वजह से इसे और भी ज्यादा डरावनी जगह के रूप में माना जाता है। पहली कहानी के अनुसार राजा माधो सिंह जिन्होंने शहर का निर्माण किया था, उन्होंने वहां रहने वाले एक संत की अनुमति के बाद किले का निर्माण किया था। हालांकि संत इसी शर्त पर सहमत हुए थे कि उनके किले की परछाई संत के घर पर ना पड़े। हालांकि किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। किले के निर्माण के बाद उसकी छाया संत के घर पर पड़ी, जिसके बाद गुस्से में संत ने भानगढ़ को श्राप दे दिया। इसके बाद पूरा शहर तबाह हो गया और तब से इसे भूतिया किला कहा जाने लगा। दूसरी कहानी राजकुमारी रत्नावली के बारे में है। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी रत्नावली बहुत सुंदर थी। उस वक्त वहाँ रहने वाले एक तांत्रिक का दिल राजकुमारी पर आ गया था, जिसके बाद तांत्रिक ने राजकुमारी को काला जादू करके अपने बस में करने के बारे में सोचा। ऐसा करने के लिए तांत्रिक ने राजकुमारी को एक ऐसा पेय दिया जिससे राजकुमारी उसके बस में आ जाए। हालांकि राजकुमारी को शक हो गया था और वह तांत्रिक की चाल समझ गई। इसके बाद तांत्रिक को मौत की सजा सुना दी गई और उसने अपनी मौत से पहले भानगढ़ को श्राप दे दिया था। इसके बाद से भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। यहाँ बताई गई कहानियां मनगढ़ंत जरूर लग सकती हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोग आज भी इस पर बहुत विश्वास करते हैं और किले के आसपास जाने से भी कतराते हैं। शाम के बाद भानगढ़ किले में जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए शाम होते ही वहां के दरवाजों पर ताले लगा दिए जाते हैं और अगले दिन सुबह होने पर ही इसे खोला जाता है। भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। शाम ढलने के बाद यहां जाने की इजाजत नहीं है। अगर आप भी यहां बताई गई कहानियों पर विश्वास करते हैं या फिर ये सारी जानकारी आपको बहुत दिलचस्प लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।